वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। अक्सर कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो कई फेर बड़े बदल देखने को मिलते हैं। इस बार पंजाब के लोकसभा चुनाव में यही तस्वीर सामने को देखने को मिली और तस्वीर भी ऐसी कि सबको हैरान कर दिया। हर पार्टी में इस तरीके के बदलाव हुए, चेहरे इस तरीके से बदले कि जिनकी जद्दी पार्टियां थी उन्होंने भी चेहरे बदल के दूसरी पार्टी का दामन थामा। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो इससे शीतल उंगराल जो पहले भाजपा में थे, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं और बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करते हैं। उसके बाद उपचुनाव होते हैं जलंधर में और उस चुस्त उपचुनाव के दौरान उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर रहता है कि क्यों उन्होंने उस उपचुनाव के अंदर जो कि जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उनको टिकट देगी, हालांकि ये आपसी उनका मसला था। लोकसभा चुनाव आते हैं और सुर्खियां चलती हैं कि शीतल उंगराल जो कि मौजूदा MLA है उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और साथ में सुशील रिंकू ने भी छोड़ दिया है, लेकिन वो दोनों ही फेसबुक पर आकर लाइव होकर बोलते हैं कि उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, उन्होंने कोई भाजपा नहीं ज्वाइन की है। महज चुनाव होने से पहले जब टिकट भी बांट दी जाती है, वहीं लोकसभा चुनाव जलंधर से सीट सुशील रिंकू को दी जाती है, उनकी तरफ से भी पार्टी छोड़ दी जाती है टिकट मिलने के बाद, और ये पहला नाम नहीं है, बाकी पार्टियों में इस तरीके के भी जो है इस बार देखने को मिले। और खुद शीतल उंगराल भाजपा में जाके शामिल हो जाते हैं जो कुछ दिन पहले इस तरीके का बदलाव करते हैं। अब जब जिस तरीके से भी लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कल नतीजे आने, उससे ठीक समय पहले शीतल उंगराल की तरफ से पार्टी से इस्तीफा दिया जाता है, उसके बाद थोड़े ही समय बाद वो इस्तीफा वापस ले लेते हैं, स्पीकर से मुलाकात करने पहुंचते हैं और स्पीकर की तरफ से समय दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणों से स्पीकर नहीं मिल पाए जिसके चलते उनको अब 11 तारीख का समय दिया जाता है। मुलाकात के दौरान शीतल उंगराल कहते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप पार्टी में हैं या आपने पार्टी छोड़ दी है, तो उनकी तरफ से इन चीज़ों को फिर से उलझाया जाता है। वो कहते हैं कि अभी किसी भी चीज़ को लेकर वो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, उपचुनाव वो चाहते थे लेकिन वो लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो ये कहते हैं कि आने वाला समय ही बताएगा कि क्यों उन्होंने पार्टी के साथ ऐसा किया, क्यों लोगों के ऊपर बोझ डाला जाए, क्यों इन सब चीज़ों को किया जाए। तो जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़े फेरबदल और बड़े चेहरों के अंदर जो बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़े जो है सिनेरियोस बदले, और इस बार के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे जो कि कल यानी बीते दिन आने हैं, इसमें भी कई बड़े चेहरों के साथ बहुत सारे सिनेरियो कल पंजाब में बदलेंगे। अगर शीतल उंगराल की बात की जाए तो शीतल उंगराल ने जब पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि पार्टी को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और आमतौर के ऊपर जब भी कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो इस तरीके की बयानबाजी होती हैं, और शीतल की तरफ से लगातार पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए। उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, हालांकि वो उसी भाजपा को तब वो बोलते थे जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। अब ऐसे में शीतल उंगराल को अब दोबारा से 11 तारीख को बुलाया गया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा क्योंकि सस्पेंस अभी भी, शीतल उंगराल ने इस चीज़ों को क्लियर नहीं की कि क्या वो पार्टी का हिस्सा हैं या उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन अब तो ये टाइम आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर शीतल का अगला रुख क्या रहता है। विधानसभा स्पीकर से आज मुलाकात करने पहुंचे थे हमारे साथ बात करने के लिए शीतल उंगराल है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया, कारण क्या रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए इसलिए मौजूद है। सबसे पहले आपको ये पत्र दिखाना चाहेंगे जो आज समय दिया, शीतल जी आप मुलाकात करके आए हैं, समय दिया गया है आपने कहा है, क्या रहा आज? स्पीकर साहब तो नहीं है, वो कहीं ऑटो स्टेशन गए हुए हैं, मैं सेक्रेटरी साहब को मिला हूं तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट डेट 11 बजे स्पीकर साहब को दोबारा मिलूंगा मैं। उसके अलावा मैंने अपना जो भी लेटर लेके आया था वो मैंने रिसीव करा ली है। लेटर के माध्यम से पहले इस्तीफा दिया फिर इस्तीफा वापस लिया, कारण क्या है? पहले इस क्योंकि ये पहले ऐसा पहले भी हो चुका, जब आपने पहले MLA पद छोड़ा फिर आप दोबारा से पार्टी में, फिर ये आने वाले दिन में पता लगे। पता क्या, मैं लोकतंत्र में मैंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दिया, मैं कौन सा नहीं मांग रहा, नहीं पर इलेक्शन साथ में करवाते, सरकार के ऊपर दोबारा फिर बोझ पड़ेगा, पंजाब के लोगों के ऊपर फिर एक बार खर्चा पड़ेगा। ये बात रखी थी कि बिल्कुल रखी थी, बिल्कुल कहा था, पर उन्होंने जो इलेक्शन नहीं करवाए इसीलिए ये इनके मन में क्या है मुझे नहीं पता,
मैंने जो मेरे लोगों ने कहा मैंने उस पर डिसीजन लिया। तो अब आप पार्टी के साथ हैं क्या? अभी कोई कमेंट नहीं दूंगा पार्टी। आप साथ रहे हैं अभी पार्टी के? कोई कमेंट, नो कमेंट। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शीतल उंगराल, जिन्होंने कहा कि पार्टी के साथ है नहीं है इस पे अभी भी सस्पेंस उनका बरकरार है। कहते मैं मुलाकात करके जरूर पहुंचा हूँ, 11 को दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो 11 को मुलाकात होती है क्या शीतल उंगराल साथ रहते हैं पार्टी के या किस तरीके का उनका रहता है, क्योंकि लगातार वो पहले इस्तीफा देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि बाई इलेक्शन साथ होने चाहिए, तमाम ये चीज़ें उन्होंने रखी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया कि क्या वो मांग चाहते हैं पार्टी के साथ है नहीं, ये अब समा ही बताएगा। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।